विदर्भ की सबसे बड़ी दुर्गा भाई डोहा की यात्रा में उमड़ी लाखों भीड़। श्रद्धालुओं की भीड़ में संक्रांति का पर्व, विदर्भ की सबसे बड़ी दुर्गा भाई डोहा की यात्रा में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। विदर्भ के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के लाखों श्रद्धालुओं के श्रद्धा स्थान साकोली तहसील के कुंभवली स्थित दुर्गा बाई डोह में मकर संक्रांति के पर्वों पर इस वर्ष पहले ही दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यह देखने भंडारा पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किया है। दुर्गा बाई डोह की यात्रा में बड़ी मात्रा में देवी की सवारियां भी आती है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से अभियान जन जागृति की जाती है। यात्रा से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए भी सांगड़ी के स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कैंप लगाया है। राष्ट्रीय कांग्रेस किसान अखाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से लाखों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की यात्रा स्पेशल की रिपोर्ट। दुर्गा भाई डोह के यात्रा में हजारों के तादाद में यहाँ भाविक भक्तगण मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ दुर्गा जी का एक भव्य मंदिर है, दुर्गा जी का, और दुर्गा जी के दर्शन के लिए यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ में बच्चे भी और सारे उम्र के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ एक एक करके लोगों को छोड़ा जा रहा है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और सारे स्वयं सेवक भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त जबरदस्त यहाँ पर लगा हुआ है, और चूंकि विदर्भ के सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, और विदर्भ के सबसे बड़ी यात्रा मानने से यहाँ पर लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं। आज से आज की शुरुआत हो चुकी है, और ये करीबन सात दिन तक ये यात्रा शुरू रहेंगी। बस 7 दिन के दौरान यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, और ख़ास करके ये इसकी एक मान्यता प्राप्त ये मंदिर होने की वजह से यहाँ लाखों के तादाद में भाविक भक्तगण दर्शन करने हेतु आ रहे हैं। आज मकर संक्रांति का आज पहला दिन है, और पहले दिन के ही अवसर पर यहाँ हजारों के तादाद में आज भाविक भक्तगण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर अपनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, और ऐसी विदर्भ की खास करके संपन्न यात्रा, महत्वपूर्ण यात्रा दुर्गा बाई के डोह को इसको माना जाता है। इसको एक अलग का इतिहास है। यहाँ बताया जाता है कि सामने में ये 6 भाई और एक बहन ने मिलकर एक वो इस चुलबन नदी को बांध बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारणवश हुआ नहीं, और इसी की वजह से वहाँ पर एक बड़ा एक डोह का निर्माण हुआ। एक ज़्यादा मतलब डोह का निर्माण होने की वजह से इसका नाम दुर्गा बाई का डोह के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और ये साकोली तालुका में आता है। भंडारा जिला विदर्भ का पूर्व एरिया है, पूर्व विदर्भ का एरिया होने की वजह से भंडारा जिले के साकोली तहसील के कुमली गांव में ये बहुत बड़ी यात्रा बढ़ती है, मान्यता प्राप्त यात्रा है, और यहाँ लाखों लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी समय के अनुसार सरकार की ओर से सारी योजनाएं भी यहाँ पर की गई है। यहाँ के पूर्व सांसद नाना पटोले की तरफ से भी बहुत सारा डेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया गया है, और दुर्गा भाई डोह यात्रा को बहुत बड़ा इतिहास से बताया गया कि शिवाजी महाराज का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के ज़माने से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, और काफ़ी लंबा इतिहास है। एक इसके बारे में बुजुर्ग लोग भी बताने के लिए, क्योंकि उनके उम्र से भी ज़्यादा का ये कार्यकाल होने की वजह से नहीं बता सकते, लेकिन हमारे यहाँ कुंबली के माजी सरपंच अंतराम जी खोटेले हमारे साथ में, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस दुर्गा भाई के डोह का क्या इतिहास है। इस दुर्गा भाई डोह का इतिहास है कि भाई पुरातन काल में हमारे बाप दादा बता रहे थे कि भाई ये 9 भाई थे और एक बहन थी, वो खिंड बांधने के लिए उन्होंने अपना काम कर रहे थे सवेरे से 12 बजे तक, और उनका घंटा बज रहा था, घंटा बजाने को उन्होंने टाइम दिए थे 12 बजे के, लेकिन उन्होंने भाई ने आगे
12 बजे के पहले आ गए, इसलिए उन्होंने कूद दिए, यानी डोह में कूद दिए तो उनका जान चला गया। और फिर बाद में भाई भी कूद दिए और वो भाई का यानी कोब निकल गया और भाई का भी कोब निकल गया। ये इतिहास हमारे बाप दादा बता रहे थे। उस काल से यानी जो करीबन 16वां शतक हमारे गांव के पटेल इन्होंने ये स्थापना किए, तब कोब निकले तब स्थापना किए और वर्ष से चल रहा था। लेकिन स्थापना करने के बाद में गांव के लोगों ने दुरुस्त कर दिया और वो भगत के नाम से हो गई। फिर बाद में हमारे नाना भाऊ पटोले इन्होंने 10-12 मतलब आमदार थे पिछले वर्ष, तो उन्होंने ये मंदिर बनाए अपने फंड से और उसका भी बहुत बहुत महत्व बढ़ गया। अभी जो भव्य स्वरूप जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये नाना भाऊ पटोले के कार्यकाल में हुआ है। ये नाना भाऊ के पटोले के कार्यकाल में हुआ है और नाना भाऊ की भी ये बदौलत है कि इतना बड़ा वो मंदिर बन गया और पटांगन बन गया, सब उनका कार्यकाल है, उनका हस्ती में हो गया और आगे भी उनके से इसमें हो जाएगा। ये ट्रस्ट बनाने की तैयारी में है लेकिन इन्होंने थोड़ा ट्रस्ट छोटा सा बनाया है, लेकिन उनके भाई भाई के झगड़े चल रहे, वो एक भगत मर गया कि उसके बाद में वो झगड़े चलाएंगे और फिर गाँव के लोग उसके ट्रस्ट बनाएंगे। ये माजी सरपंच खोटले जी ने बताया कि ये इतिहासकालीन यात्रा यहाँ से चालू है, शिवाजी महाराज के ज़माने से भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और पटल के माध्यम से यहाँ की निर्मित हुई थी, लेकिन कुछ गांव के लोगों ने दुर्लक्ष करने से उतनी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ का नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ के विधायक जो पूर्व विधायक थे और अभी पूर्व सांसद और राष्ट्रीय किसान आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले के माध्यम से ही इस जगह का बहुत बड़ा विकास किया गया और ये यात्रा पूरे विदर्भ के अंदर एक बड़ी यात्रा के स्वरूप में ये सामने आ चुकी है। यहाँ लाखों भाविक दर्शन के लिए आते हैं और अपनी कुछ श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और यहाँ दुर्गा देवी जी का आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर ये करते हैं। और जिस मंडप पर हम बैठे हैं यहाँ नाना भाऊ पटोले की तरफ से एक महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, लाखों भाविकों को श्रद्धालुओं को यहाँ से महाप्रसाद का वितरण होता है। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज़ भंडारा। दुर्गाबाई डोह में इस तरह से बहुत सारी मतलब देवी देवताओं का भी पगला मारी है, आस्था का विषय है और यहाँ पर लोग दूर दूर से मध्य प्रदेश से बालाघाट से और कई शहरों से देवी देवताओं के यहाँ बहुत बड़ा जलसा भी यहाँ पर रहता है। ये लोग आते हैं, चुलबन नदी में नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और दुर्गा जी के मंदिर में जाके अपना पूजा अर्चना करते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से भले ही कितना भी इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो जाती है लेकिन आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय होने की वजह से चाहे कितना भी हो जाए लेकिन ये परंपरा यहाँ अविरत चालू है। Thank you.
एक बड़ा जनाकाश फोटो तो क्या
कौन से स्वास्थ्य केंद्र रखे हैं और आपकी तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है? हम प्राथमिक आरोग्य केंद्र सानगढ़ी से है। हम यहाँ पे 4 दिन सुविधा देते हैं जन आरोग्य के लिए। वो 13 से 16 तक हमारा यहाँ कैंप रहता है। 24 आवर्स कर्मचारी के यहाँ पे ड्यूटी रहते हैं और डॉक्टर लोग भी रहते हैं। पूरा यहाँ यानी मरीजों का इलाज होता है। और हमारे यहाँ यानी जो वायरल इन्फेक्शन यानी किरकोड़ यानी आधार पर यहाँ पे उपचार होता है प्राथमिक। अभी तक कोई इमरजेंसी केसेस वगैरह आपके पास में? नहीं, इमरजेंसी नहीं आती। तो उसके लिए क्या व्यवस्था? हमारे पास ये है ना 108 है और हमारी PHC की एम्बुलेंस है। हम तुरंत उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। परंतु आपला विश्वास है अंधश्रद्धा यांच्यावर असतो म्हणून माझे सर्वांना असे आग्रह आणि आपण सर्वप्रथमच म्हणजे एखाद्या स्त्रीला म्हणजे कोणता ताप वगैरे आला टायफॉइड झाला तर ती तापाच्या भरमाने काही काही बरबरत असतो तर आपला विश्वास असा असतो की आपण त्या टायफॉइड मध्ये जी व्यक्ती बरबरत असते तर तिला भूत लागलेले आहे तिच्यावर काहीतरी कोणीतरी म्हणजे कर्तृत्व केलेली आहे असे आपण म्हणतो। परंतु असे जे समाजातील जे उदाहरण आहेत म्हणून माझ्या सर्व बंधू भगिनींना अशी आग्रह विनंती आहे की आपण सर्वप्रथम ह्या अंधश्रद्धेवर अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊ नये। आपण त्या स्त्रीला डॉक्टरकडे नेले पाहिजे आणि मानसिक रोग जे असतात मानसिक रोगापासून सुद्धा काही लोकांचे अंग फुलत असतात आणि ते पागलसारखे इकडे तिकडे फुलत असतात। त्यांच्यासाठी सुद्धा आजचे युग हे विज्ञानाचे युग आहे आणि या विज्ञानाच्या युगामध्ये आपल्यासाठी डॉक्टर आहेत मानसिक तज्ञ डॉक्टर झालेले आहेत म्हणून आपण त्यांना मानसिक तज्ञ डॉक्टरकडे नेलं पाहिजे आणि आपला उपाय केला पाहिजे। आणि एखाद्या स्त्रीच्या अंगामध्ये देवी येते आणि त्या स्त्रीच्या अंगात देवी आली आणि त्या स्त्रीला आपण म्हटलं की तुझ्या आणि त्या स्त्रीच्या अंगावर म्हणजे मी खरोखर माझ्या अंगात देवी आहे मग तिच्या अंगावर तिच्या हातावर कापूर जाळलं जाते आणि ती कापूर खाते मग आपण म्हणतो की तिच्या अंगामध्ये खरोखर दैवी शक्ती आहे म्हणून ती पेटता कापूर खाते आणि खाते म्हणून तिच्या अंगात देवी येते। असे जे काही आपले अंधश्रद्धा तुझे उदाहरण आहेत ते आपण समाजामध्ये अनुकरण केले पाहिजे आणि आपण सर्वांनी अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊ नका अशी मी आग्रहाची विनंती करते आणि येथील आयोजकांनी मला या ठिकाणी बोला। मेरा नाम है नरेंद्र पराते। हम लोग यहाँ पे नेशनल हाईवे के अंदर में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत अशोका बिल्कॉन लिमिटेड में जो यहाँ पे ग्रुप है अशोका हाईवेज का उस यहाँ पे जो अशोका हाईवेज का ग्रुप है उसके उसके अंतर्गत हम यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन के लिए कुमली जो यहाँ पे हर साल एक यात्रा का आयोजन होता है तो हमारा जो उद्देश्य है इसके लिए कि स्वच्छता का जो अभियान अभी नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह जगह पे चलाया है
तो उसे हम भी हमारे माध्यम से सर हर गांव वालों या हर लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं कि स्वच्छता का उद्देश्य क्या है, स्वच्छता का मतलब क्या होता है, स्वच्छता करने के क्या फ़ायदे होते हैं, और स्वच्छता रखने से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, खुद अपने को ही फ़ायदा होने वाला है, ये बताने के लिए और ये हर जगह हर आदमी के पास पहुँचे इसके लिए यही हमारा एक उद्देश्य है यहाँ पे स्वच्छता अभियान लेने का। विदर्भ के प्रसिद्ध दुर्गाबाई डोह के यात्रा में स्वच्छता का भी पुरजोर ख्याल रखा गया है। नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को लेकर अशोका बिल्ड कैंप की तरफ से भी पूरी टीम आई हुई है। टीम के माध्यम से यात्रा के अंदर जो भी अस्वच्छता लोगों के माध्यम से होती है उसको स्वच्छ करने का काम भी इनके माध्यम से हो रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा के माध्यम से उन्होंने पूरी जन जागृति करके स्वच्छता अभियान यहाँ पर अभी उन्होंने पूरा ये कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है और निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के बारे में ज़्यादा जोर दिया है, ज़्यादा बल दिया है और हर जगह पर स्वच्छता के माध्यम से इसकी जन जागृति हो जाए इसके लिए अशोका बिल्ड कैंप की तरफ से भी एक सराहनीय कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। मैं निषाद लांजेवार, MNS न्यूज़ भंडारा। दुर्गाबाई डोह यात्रा विदर्भ में सबसे बड़ी यात्रा के रूप में माना जाता है। मान्यता प्राप्त यात्रा होने की वजह से यहाँ लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ मंदिर में दर्शन करने हेतु आने वाले लोगों को भीड़ को देखते हुए भंडारा पुलिस की तरफ से यहाँ पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है और ताकि कोई अनुचित घटना न घटे और अच्छी सुरक्षा का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। हम साकोली के पुलिस निरीक्षक पिपरेवार जी हमारे साथ में आए, इनसे बात करते हैं और सुरक्षा के बारे में क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर मुझे बताइए कि इस यात्रा के दौरान आपके पुलिस विभाग की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई है और कितने कर्मचारी यहाँ तैनात किए हुए हैं? सर ये कुंभी दुर्गाबाई डोह यात्रा मतलब फेमस यात्रा रहती है और इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं, आप देख रहे हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती विनीता मैम, इनके आदेश से यहाँ हमने जितना बंदोबस्त मांगा पूरा पर बंदोबस्त मिला है और हमारे बंदोबस्त में 139 कर्मचारी जिसमें 8 अधिकारी, 75 होमगार्ड सैनिक और 42 भारतीय सुरक्षा सेवा संघ के स्टूडेंट यहाँ हमें मिले हैं और उसी तरह यहाँ हमने 8 CCTV कैमरे लगाए हैं जिसकी वजह से हम पब्लिक और अदर एक्टिविटीज पे नज़र रख सके। तो इसके ऊपर CCTV के माध्यम से भी पूरे मतलब देख रहे चालू है। अच्छा, अभी ये व्यवस्था आपकी कितने दिन तक रहेंगी? ये सर है, ये व्यवस्था हमारी 17 तारीख तक रहेंगी, कंटिन्यू ये बंदोबस्त ऐसे ही चालू रहेगा। तो ये हमारे पिपरेवार